हे गाइस, मेरा नाम है अमन चौहान और आपका हमारे चैनल टेक्स एंड फैक्ट्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के लेंस की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्काईविक का सिग्नी 3-in-1 मोबाइल कैमरा लेंस। बात करें यहाँ पर फीचर्स की, तो आप देखते हैं इसके अंदर फीचर्स लिखे हुए हैं कई सारे, जैसे कि यहाँ पर आपको 230 डिग्री का सुपर फिशाई लेंस मिलेगा, 0.3x का सुपर वाइड एंगल लेंस मिलेगा, 20x का मैक्रो लेंस मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बेसिकली इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी, इस वजह से हम लोगों ने इसको मंगाया है। तो आइए आते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं कि क्या है इसमें और कैसा है ये। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग बॉक्स को अगर ओपन करें तो यहाँ पर हम लोग को अंदर एक और बॉक्स मिल जाता है। सबसे अच्छी बात इन लोगों की पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अल्ट्रा एचडी लेंथनाइट ग्लास है ताकि हाई रेजोल्यूशन शॉट्स आएँ आपके। और इसके अंदर आपको मिलता है एक बॉक्स, पूरा केस है बकायदा लेंस का और कुछ पेपर मैनुअल है, मतलब यहाँ पर मैनुअल और पेपर वर्क लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो बॉक्स की बिल्ड क्वालिटी वो बहुत ही औसम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, उसमें कोई शक नहीं। इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इसी कंपनी के दूसरे लेंस का, तो वो भी आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइस अंदर आपको एक यूनिवर्सल क्लिप होल्डर मिलता है, जिससे कि हम लोग लेंस को अपने फ़ोन पर होल्ड कर सकेंगे, तो वो चीज़ वो काफ़ी सही लग रहा है देखने में। इसके अलावा आपको एक लेंस मिलता है, एक्चुअली ये वाला जो लेंस है ये एक नहीं है, दो लेंस है, दो लेंस का कॉम्बिनेशन है। ये 20x मैक्रो लेंस प्लस यहाँ पर 0.3x सुपर वाइड एंगल लेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों मतलब एक साथ अटैच हैं, लेकिन 20x मैक्रो लेंस आपका अलग वर्क करेगा और अगर आप वाइड एंगल यूज़ करेंगे तो आपको दोनों को एक साथ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दोनों अलग हो जाएंगे, वो हम लोग बाद में करेंगे, अभी जब हम लोग लगा कर देखेंगे। गाइस, यहाँ पर वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे सैंपल शॉट्स बीच में और बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, तो वो प्लीज़ पूरा देखना। बात करें यहाँ पर दूसरे लेंस की, तो 230 डिग्री का आपको फिश आई लेंस मिलता है, मतलब 230 डिग्री आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा है, मतलब अप्रॉक्स 360 डिग्री का एक पूरा कैमरा होता है, जो अलग से कैमरा आपको लेना पड़ता है, तो वो मिलता है। इसके अलावा आपको एक पूरा पाउच मिलता है, आपको एक क्लीनिंग क्लॉथ मिलता है माइक्रोफाइबर का, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत ज़्यादा, और एक आपको मतलब क्लिप मिलती है, जिससे कि आप अपने बॉक्स को जो उसका होल्डर मतलब पूरा जो केस है उसको आप होल्ड कर सके, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी, मतलब जो भी चीज़ें इनके अंदर हैं प्रोडक्ट्स में वो बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। तो गाइस, अभी ज़रा हम लोग टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, हम सीधे आते हैं लेंस पे और इनको कैसे लगाना वो आपको बताते हैं। और यहाँ पर आपका फ़ोन डुअल कैमरा हो, 3 कैमरा हो, 4 कैमरा हो, 10 कैमरा हो, 20 कैमरा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सीधे यूनिवर्सल होल्डर को लगाना और पीछे से अटैच करना है। तो अभी आप देख सकते हो, जैसे ही हम लोगों ने खोला तो ये लेंस जो है हम लोगों का बीच से अलग हो गया। तो अब अगर हम लोग सिंगल लेंस को यूज़ करते हैं, मतलब नीचे वाले लेंस को, तो वो हम लोगों का 20x मैक्रो लेंस है। गाइस, कैमरा पहचानने के लिए आप सारे कैमरे में बारी बारी हाथ रख कर देखिए, जिस कैमरे पे उंगली रखने पे आपका स्क्रीन पूरी रेड हो जाए, मतलब पूरा बंद हो जाए, तो समझ लीजिएगा वही आपका मेन कैमरा और लेंस को आपको उसी कैमरे पर लगाना है। तो इससे आप मतलब अपने कैमरे को पहचान सकते हैं कि किस कैमरे पर लेंस लगेगा। तो अभी हम लोगों ने अपने 20x मैक्रो लेंस को लगा लिया और इसके लिए आपको जिस भी ऑब्जेक्ट के बहुत पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैक्रो लेंस है तो आपको ऑब्जेक्ट के एकदम पास जाना पड़ेगा, बहुत ही पास से फ़ोटोज़ लेता है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको बकायदा पूरा क्लोरोफिल और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, प्लांट की मतलब प्लांट के अंदर की जो वेन्स हैं वो दिख रही हैं, एक लीफ की ये देख सकते हो आप, एक बहुत ही छोटा सा प्लांट था, बीच से टूट गया है, तो आपको वहाँ पर उसके अंदर की चीज़ें देखने को मिल रही है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को 20x मतलब आप समझ रहे होंगे 20 गुना ज़्यादा जूम आपको देखने को, मतलब 20 गुना ज़्यादा आप उसके अंदर घुस सकते हैं, तो वो आपको एकदम अच्छे से देखने को मिलेगा। ऐसे सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि अपनी आँखों के अंदर भी आप देख सकते हो, मतलब आप इससे चाहें तो बहुत 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 औसम शॉट्स ले सकते हैं, मतलब लिटरली फ़ोन से आप एक DSLR जैसी फोटोग्राफी कर सकते हैं। मैक्रो फोटोग्राफी का आपको शौक है तो यहाँ पर कुछ सैम्पल शॉट्स हैं, और सिर्फ यही सैम्पल शॉट्स नहीं, हम लोगों ने आगे वीडियो के एंड में सबके सैम्पल शॉट्स लगाए हुए हैं, सबके वीडियो शॉट्स और बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, तो प्लीज़ वीडियो लाइन से देखते हुए चलना। ये आप देख सकते हो, ये एक छोटे से तिल के दाने कितने बड़े बड़े आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो चीज़ है। अभी जरा हम लोग दूसरे लेंस की बात करते हैं, तो हम लोग का वो है वाइड एंगल लेंस। तो वाइड एंगल लेंस गाइस जो मैक्रो लेंस है उसके साथ ही आपको लगाना पड़ेगा, तभी वर्क करे, क्योंकि इसके लिए अलग से आपको होल्डर नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो अभी हम लोगों ने वाइड एंगल को लगा लिया है, उसमें अटैच कर लिया, और ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल से हुआ था, क्योंकि इसकी चूड़ियाँ थोड़ी सी ख़राब थी या जो कुछ भी हो, लग नहीं रहा था मेरे से काफ़ी देर में लगा,
तो अभी ये लग गया है वाइड एंगल, तो अभी आप देख सकते हो ज़रा हम लोग फ़ोन का ही आपको शूट दिखाते हैं थोड़ा सा, या फिर डायरेक्ट दिखाते हैं कि देखो आप देख सकते हो अभी कितना सारा एरिया कवर कर रहा है, और हम लोग अभी लेंस हटा कर देखेंगे कितना कम एरिया कवर करता है। अभी आप देखते हो इतना एरिया कवर कर रहा है, और जैसे ही हम लोग लेंस को हटाते हैं देख सकते हैं आप एरिया कम हो गया। तो यहाँ पर 0.3x मतलब अप्रॉक्स, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं आप, लेकिन फिर भी इतना वाइड करना भी काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आपके फ़ोन पर वाइड एंगल कैमरा नहीं है तो आप इस लेंस से उसको वाइड कर सकते हो, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो अभी आप देख सकते हो जैसे हम लोगों ने उसको हटाया एरिया आपका कम हो गया, और जैसे हम लोग उसको लगाते हैं एरिया आपके कैमरे के अंदर बढ़ जाता है। तो यही इस लेंस का काम है, वाइड एंगल लेंस का। यहाँ पर भी आपको कुछ शॉट्स देखने को मिल जाएंगे, ये हम लोगों का नॉर्मल शॉट है और ये हम लोगों का वाइड एंगल शॉट है। तो देख सकते हो आप कितना ज़्यादा एरिया उसने कवर कर लिया आसपास का। ऐसे ही ये भी शॉट देख सकते हो आप, एक तरफ आपका वाइड एंगल एक तरफ नॉर्मल है, तो उसमें भी है ये सारी चीज़ें। तो मतलब आपको अगर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कैप्चर करनी है तो आप इस लेंस को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट लेंस की बात करें तो 230 डिग्री का फिश आई लेंस है, मतलब 230 डिग्री आपका कवर करेगा, तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा डिस्टेंस ये कवर कर सकता है आपके कैमरे के अंदर। लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा अजीब तरह से वर्क करता है, मतलब अजीब कि आपको फ़ोटो एक्चुअली में पूरी मतलब स्क्वायर में नहीं आएंगी या फिर रेक्टेंगल पूरे फ़ोन पे नहीं आएंगी, ये गोल आएगी, क्योंकि बहुत सारा एरिया इसको एक ही जगह लाना होता है। तो आप देख सकते हो जैसे हम लोग लेंस को हटाते हैं कितना कम एरिया लेता है, और जैसे ही लगा लेते हैं तो हम लोग आसपास का ट्राईपॉड और मेरा पैर और बाकी सारी चीज़ें सब कुछ आपको देखने को दिख जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी ऐसे देख सकते हो आप यहाँ पर पूरा आसपास मतलब जो कुछ भी वो सारा लेता है और उसको घुमा के, मतलब जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो वो चीज़ घूमी हुई आपको लगेगी, थोड़ा सा रोटेटेड लगेगी, क्योंकि वो सारा एरिया एक साथ लेता है। तो अभी आप देख सकते हो ये यहाँ पर एक पूरी लाइन से क्यू बनी हुई है प्लांट की, और यहाँ पर हम लोग जैसे ही पास जा रहे हैं तो देखने में ऐसा लग रहा है कि बीच की चीज़ें जो हैं वो हम लोग की जूम्ड हैं, जूम्ड इन हैं, और साइड की चीज़ें जो हैं वो आपकी ऐसे मतलब अंदर से घुस जाती हैं और बीच की चीज़ें खिंच जाती हैं। तो यही काम होता है फिश आई लेंस का, कि अगर आप यहाँ पर बहुत ढेर सारे, मान लीजिए बहुत ढेर सारे लोग अगर लाइन से खड़े हुए हैं और आप इससे फ़ोटो खींचेंगे या फिर वीडियो बनाएंगे, तो बीच वाले जो इंसान होगा उसकी शक्ल बहुत ही बड़ी आएगी, और साइड वाले इंसान मतलब आ सारे जाएंगे लेकिन वो छोटे हो जाएंगे और बीच वाला बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ मतलब देखने में काफ़ी कूल लगती है, फ़ोटो काफ़ी अच्छी। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं चल रहा हूँ तो जो ज़मीन है वो पूरी गोल गोल लग रही है, लेकिन एक्चुअली में गोल नहीं है। तो गाइस ये सारे तीनों लेंस थे आपने देखे, यहाँ पर आपका 0.3x सुपर वाइड एंगल और 230 डिग्री फिशाई लेंस और 20x मैक्रो लेंस। यहाँ पर ये कुछ सैंपल शॉट्स हैं मैक्रो लेंस के, तो आप देख सकते हो ये कितना छोटा सा मतलब इंसेक्ट है, बहुत ही छोटा सा इंसेक्ट है जो आपको यहाँ पर फ्लावर में बैठा हुआ है। और आप देख सकते हो बस इसमें दिक्कत ये होती है कि क्योंकि आपको उसको बहुत पास जाना होता है और फ़ोन आपका बहुत ही ज़्यादा शेक करेगा, बहुत ही ज़्यादा हिलेगा, स्टेबलाइजेशन बहुत ही कम होगा, तो उस चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो छोटी सी मक्खी की आप इतनी बड़ी फ़ोटो ले सकते हैं, और ऐसा नहीं कि ख़राब फ़ोटो आ रही, क्लैरिटी भी आप देख सकते हो कितनी सॉलिड है। यहाँ पर एक छोटा सा चीटा है तो आप देख सकते हो कितनी सही फ़ोटो है। यहाँ पर भी है कि बहुत ही छोटी सी मकड़ी थी जो कि जाल बनाने में लगी थी उसकी थी, ये आई की फ़ोटो थी जो हम लोगों ने नॉर्मल ली है। सबसे अच्छी बात है कि आप फ्रंट कैमरे में भी इसको लगा सकते हो, फ्रंट में लगाओ या बैक में लगाओ तो सबसे फ़ोटो आ सकती हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने ऐसे ये ढेर सारे तिल के दाने थे और हम लोगों ने उससे फ़ोटो ली थी। तो ये यहाँ पर कूलर के जो जाल होता है उसकी फ़ोटो है। तो ये यहाँ पर LED थी, देख सकते हो आप LED को कितना जूम इन कर लिया, तो वो सारी फ़ोटोज़ आप एकदम आसानी से ले सकते हो। पौधों के अंदर की फ़ोटो, मतलब इसके बाद सोचो ये नॉर्मल फ़ोटो, अगर सोचो इसमें हम लोग एडिटिंग करें तो कितनी सॉलिड फ़ोटो आएगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं देखने को मिल जाती है। अभी ज़रा हम लोग कुछ वाइड एंगल के शॉट्स आप देख सकते हो, नॉर्मल और वाइड एंगल दोनों आपको अगल बगल दिख रहा है कि नॉर्मल में कितना और जो 0.3x वाइड एंगल कर दिया इसने वो कितना है, तो उसमें आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिल जाएगा। मतलब ये वाइड एंगल मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खास तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी जब कभी कभी ये बहुत काम आता है, लाइक लैंडस्केप आपको लेना है, किसी अच्छी जगह आप घूमने गए तो वहाँ पर वाइड एंगल लेंस बहुत सॉलिड काम आता है। अब जरा हम लोग कुछ फिशाई लेंस के भी सैम्पल शॉट्स देख लेते हैं कि ये कैसा है। तो ये आपने पहले ही देखा था, मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर आपको ज़मीन पूरी गोल दिखेगी। मतलब सोचो आप अगर आप एक स्टेडियम पे बैठे हो और स्टेडियम पे आप ऐसे फ़ोटो लें तो कितने ढेर सारे लोग आपकी फ़ोटो के अंदर आ सकते हैं। फ्रंट में भी आप लगा सकते हो, ढेर सारे लोग आपके अंदर आएंगे। देख सकते हो आप नॉर्मल फोटो, नॉर्मल जो वीडियो हम लोगों ने बनाया है और दूसरी तरफ वाइड एंगल का बनाया है, तो देख सकते हो वाइड एंगल हम लोगों को कितना कम घूम रहा है और नॉर्मल हम लोगों को कितना ज़्यादा घुमाना पड़ रहा है सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो बस यही फ़र्क होता है इन दोनों लेंस में। तो मतलब बहुत ढेर सारा जब क्राउड होता है आपका फिशाई लेंस बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ पर ये फिशाई लेंस है पूरा अपना,
इसके पहले भी फिश आई था, मैंने गलती से वाइड एंगल बोल दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब पूरा फिश आई लेंस मस्त काम कर रहा है। ये वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो ये मुझे मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ही सॉलिड लगता है ये वाला लेंस, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ मतलब थोड़ी सी अजीब सी आती हैं, लेकिन फिर भी जब कोई दूसरा इंसान फ़ोटो देखता है तो उसको बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो गाइस आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आओ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियोज़ रेगुलरली लाते रहते हैं गाइस। और ये लेंस की अगर कीमत की बात करें तो यहाँ पर आपको 1799 का मुझे लेंस मिला है, लेकिन अगर आपका ऑफ़र चल रहा हो तो और भी ये सस्ता हो सकता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अमेजॉन फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिना मत जाना, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करना, और बस टाटा बाय बाय।